हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आज देख रहे हैं, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अपने चैनल पेन एनएसएस पेन एनएसएस अड्डा में डोम्स का किट। वाव किट जो है 49 का है, उसके बाद एक डोम्स का चैंपियन किट है जो 99 का है, उसके बाद एक आर्ट स्टोक का डोम्स का किट है वो 199 का है। तो आइए आज हम इन दिनों को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इन दिनों में क्या क्या हमें मिलता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 99 वाले से। चलिए इन दोनों को पहले हटा देते हैं, फिर बारी बारी से दोनों को देखेंगे। आइए इसको खोलते हैं। ये हमारा पैकेट खुल गया है, इसके पीछे पैकेजिंग का यहाँ बात है। ये ट्रांसपेरेंट पैकेट है, पीछे MRP लिखा हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हम क्या क्या मिलने वाला है। वो तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम खोल के देखते हैं डायरेक्टली क्या क्या है इसके अंदर। आगे डोम्स का वाव किट का ब्रांडिंग किया हुआ है, तो ये निकालते हैं। ये मेरे पास पहले निकला है डोम्स का डस्ट फ्री इरेजर, जो कि देखने में तो कार से जैसा लग रहा है। पैकेट बहुत बढ़िया है इसका, है पूरा नाम है डोम्स डस्ट फ्री इरेजर रेक्ट 15। इसका MRP है 10 रुपये। उसके बाद एक रूलर है 15 सेंटीमीटर डोम्स का। ये दो कलर की पेंसिल है, का नाम है, एक का नाम है डोम्स फ्यूजियन और दूसरे का नाम है डोम्स ग्रोव। ये जो पेंसिल हमें मिलती है, आगे देखते हैं क्या है इसका। ये छोटा सा वैक्स कलर है, कलर पेंसिल है, जिसमें 6 सेट हमको मिलते हैं। आइए इसका साइज हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये साइज का पेंसिल आपको मिलता है जो कि काफ़ी जेन्युइन साइज है, लेकिन इसमें कमी यही है, छोटा है और 6 सेट मिल रहा है, तो 49 के हिसाब से ठीक है। ये एक शॉर्पनर है, एक्स्ट्रा लॉन्ग पेंसिल शॉर्पनर, जो कि इसका MRP 5 रुपये है। उसके बाद एक रबड़ है, 10 फीट इरेजर छोटा है, एक बड़ा वाला इरेजर भी मिला था। इसके बाद एक छोटा इरेजर भी है अलग से, दो इसके हिसाब से दो इरेजर, एक शॉर्पनर हो गया, एक रूलर, एक कलर पेंसिल और दो पेंसिल अभी तक हम निकाल चुके हैं। उसके बाद अभी कुछ बच रहा है, इसमें देखते हैं। और ये है डोम्स का वैक्स क्रियोन्स, जिसमें 12 सेट्स हैं। इस तरह का वैक्स क्रियोन्स आपको मिलेगा, इसमें 12 सेट्स हैं। इसमें आपका कलर है येलो, ऑरेंज, लाइट येलो, रेड, ब्राउन, ग्रीन, डीप ग्रीन, स्काई ब्लू, डीप ब्लू, नेवी ब्लू। इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो हमें जो 49 के किट में प्राप्त हुआ है वो है एक वैक्स क्रेयॉन, उसके बाद एक कलर पेंसिल, दो पेंसिल, एक रूलर, एक शॉर्पनर, एक बड़ा डस्ट फ्री इरेजर और एक छोटा डस्ट फ्री इरेजर। MRP के हिसाब से ये सब सामान ठीक ही लग रहा है। तो आइए अब इसको हटाते हैं। तो हटा करके अब शुरुआत हम करेंगे ये 99 वाले पेपर। ये हमारा 99 का किट खुल चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या प्राप्त हो रहा है। डोम्स का, जिसका जैसे कि इसका देख रहे हैं, डोम्स का चैंपियन किट का नाम है। तो आइए इसमें निकालना शुरू करते हैं इसके अंदर क्या क्या। पहले हमको एक मिलता है डोम्स का न्यून कलरफुल पेंसिल, जिसमें पीछे इरेजर लगा हुआ है। इसका MRP हम देखें तो इसका MRP लगभग है कितना, 50 रुपये MRP। इसके हिसाब से ये 50 रुपये का पेंसिल हमको मिल गया।
उसके बाद है एक छोटा सा स्केल है, रूलर है 15 सेंटीमीटर का, जो कि 49 वाले में भी था। उसमें दो पेंसिल साइज में पूरा बॉक्स दिया हुआ है। और ये फिर डिजाइनर शॉर्पनर टाइप का है, जिसमें आप जब पेंसिल छीलेंगे तो डस्ट इसी में इकट्ठा होता चला जाएगा। ये बॉक्स है, छीलने के बाद आप इसको कहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है। MRP इसका पता नहीं कितना है, इसमें लिखा हुआ है डोम्स डस्ट कलेक्टर। उसके बाद हमको मिल रहा है ये टोम्स का कलरफुल कलर पेंस, वाटर कलर पेंस। इसका MRP 15 रुपीज़ है, जिसमें 12 सेट्स है। ये देख लीजिए, ये आपको प्राप्त होता है। इसका साइज हम दिखा देते हैं आपको खोल करके कि कितना बड़ा हमको मिलेगा। ये देखिए इतना छोटा सा साइज, फिर भी ठीक ही है 15 रुपये के हिसाब से। चलिए ये हो गया। इसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं ये जो है वैक्स क्रियॉन्स, वहाँ 49 वाले में भी था, 99 वाले कितने वैक्स क्रियॉन्स है। लेकिन इसका जो बॉक्स है वो थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो श्योर है कि इसका MRP भी ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि MRP इसका ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये ही है। तो ये खोल कर देखते हैं, ये देखिए वही चीज़ है, खाली ये डब्बा जो दे दिया है उसके वजह से इसका दाम बढ़ चुका है। ठीक है, और ये एक बड़ा सा इरेजर है जो कि बॉक्स में आ रहा है, जो कि 10 रुपये का MRP है। उसमें था तो दूसरे तरह का इरेजर था, ये दूसरे तरह का इरेजर है, MTEC इरेजर इसको कहेंगे। वो जो था वो दूसरा इरेजर था, वो डस्ट फ्री इरेजर था। तो आइए हम इसको जोड़ लेते हैं, कितना पड़ा हमको। ये हो गया 15, ये 10, ये 15, 40, 45, 55, 55, 50, 105, यानी कि 99 के हिसाब से ये भी वर्थ कर रहा है, नुकसान नहीं है लेने में। चलिए अब इसको साइड करते हैं, हम दूसरे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारा सबसे बड़ा किट, जिसका नाम है आर्ट स्टोव। अब देखते हैं कि उसमें हमको क्या क्या मिलता है। इसको अंदर कर देते हैं, उसके बाद हम उसको खोलना शुरू करेंगे। तो ये हमने इसको अंदर डाल दिया, इसको साइड कर देते हैं। ये है अपना अब तक का सबसे बड़ा किट, जो अभी मैं लेके आया हूँ आपके लिए, 199 का है, डोम आर्ट स्टोव। आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। ये हमारा जिप जो है ऊपर खुल गया है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वो ड्राइंग बुक है, डोम्स का ही है। ये देखिए इस तरह से इसका ग्राफिक्स छपा हुआ है आगे में। इसके बाद बैक साइड में देखेंगे तो मेंशन किया हुआ है, जो वो है इसका पेज और MRP। इसका MRP 35 है, 32 पेजेस इसमें है, जो कि काफ़ी अच्छा देख रहा है। पेज क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, इसका थिकनेस वाइटनेस वगैरह सब बहुत शानदार है। इस पर ड्राॅइंग बनाने में बहुत ही मज़ा आया है। आइए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। ये पेंसिल है, इसका नाम है डिक्सन टिकोंड्रोगा, जो कि HB है, जो येलो कलर का पेंसिल है। ये एक बड़ा सा ऑयल पेस्टल है 12 सेट्स का। तो इसको खोल कर देखते हैं, जहाँ तक इसे MRP का बात है, इसका MRP है 35 रुपया। ये इस तरह का पैकेट में आता है, इसमें ये जो ऑयल पेस्टल दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कलर में है। हालांकि इसको थोड़ा बड़ा हो सकता था, लेकिन चलिए फिर भी ठीक ही है 25 रुपये के हिसाब से, तो 35 रुपये के हिसाब से ठीक ही है। ऑयल पेस्टल के बाद हम निकालते हैं इसमें से अंदर से क्या निकलता है। ये एक पेंसिल कलर है जो कि 12 सेट्स का है। तो आइए इसको खोलते हैं पहले, इसका MRP 60 रुपये लिखा हुआ है। लिखा हुआ था 12 सेट्स पैकेट पर, लेकिन यहाँ तो 6 ही सेट्स मिल रहा है। पता नहीं कंपनी क्या सोच के डाले हैं इसमें।
पैकेट में मेंशन किया हुआ है प्रॉपरली 12 सेट का, लेकिन निकालने पे हालांकि साइज इसका काफ़ी बड़ा है फिर भी 60 रुपीज़ बहुत ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, इसका MRP के हिसाब से बहुत ज़्यादा लग रहा है 60 रुपीज़, क्योंकि 60 या 75 रुपीज़ में आता है वो बड़ा सा जार, उसका भी अनबॉक्सिंग मैं आपको दिखा दूँगा। अभी तो फिलहाल इस पर MRP 60 रुपया ही है, तो ये हम आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा कमी ये है कि यहाँ मेंशन किया हुआ है 12 सेट और निकाल रहा है 6 ही सेट। ये देखिए एक और डब्बा निकला है प्लास्टिक क्रियोन्स का जिसमें 6 सेट्स दिखा रहा है, आइए खोल के देखते हैं कहीं ये भी तो कम नहीं है। देखिए इस तरह का प्लास्टिक क्रियोन्स है बड़ा वाला, काफ़ी बड़ा है साइज, इसमें हमको मिलता है 6 कलर, कौन कौन सा मिल जाता है थोड़ा देख लें एक बार। ये मिल जाता है ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, रेड, येलो और स्काई ब्लू। साइज हालांकि साइज और क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी और साइज है, इसका MRP 30 रुपया है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है ये। इसके बाद हम इसको साइड कर देते हैं और निकालते हैं और क्या निकलता है। ये केरूलर निकला है 15 सेंटीमीटर का, देख लीजिए ये स्केल जो है पहले भी निकलता था हर एक पॉकेट में निकला है लगभग स्केल तो, और ये एक शॉर्पनर है नोम्स का पेंसिल शॉर्पनर। उसके बाद ये एक वैक्स निकला है, वैक्स कलर, वैक्स क्रियोन्स 12 सेट्स का कुछ इस तरह दिखेगा, इसका MRP हमको है 10 रुपया। इसमें और कुछ एक दिख रहा है, ये देखिए एक डस्ट फ्री इरेजर है, तो आइए हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है 199 में। 199 में हमें मिला एक डोम्स का ड्राइंग बुक, उसके बाद ये मिला है 6 सेट का पेंसिल कलर, उसके बाद ये मिला है 6 सेट का प्लास्टिक क्रियोन्स, ये 6 सेट का प्लास्टिक क्रियोन्स मिला है। उसके बाद हमको मिला है ये ऑयल पेस्टल जो कि 12 सेट्स में है, तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरह का ऑयल पेस्टल हमको मिला है जिसमें 12 सेट्स हैं, इसका MRP 35 है। और ये 12 सेट्स का वैक्स क्रियोन्स मिला है जिसका MRP 10 रुपया है, इसमें वैक्स डोम्स का ब्रांडिंग किया हुआ है। उसके बाद एक स्केल मिला है डोम्स का 15 सेंटीमीटर, ये एक रेजर, एक शॉर्पनर मिला है 199 के हिसाब से, और जो एक पेंसिल मिला है जो पीला कलर का है 199 के हिसाब से ये ठीक ही है। जहाँ तक बात की जाए इसका यूज़ का, तो इसको आप आर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं या ड्राइंग लवर्स यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है, इसको आप गिफ्टिंग पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, जो कि 3 प्राइस रेंज में उपलब्ध है, एक है 49, एक 99 और एक है 149। आपको जो अच्छा लगे अपनी सुविधा के हिसाब से वो आप उपलब्ध कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पेन एक्सेसरी आपका बहुत, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है। नमस्कार।